अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की क्या होगी प्लेइंग 11? क्या भारतीय टीम में मिलेगी कुलदीप यादव को जगह? सबसे बड़ा सवाल यह हर एक क्रिकेट फैन के मन में उठ रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जब सुपर एट का पहला मुकाबला होगा तो क्या भारतीय टीम कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल करेगी। कुलदीप यादव के समर्थन में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व चीफ सेलेक्टर कृष्णाचारी श्रीकांत ने आवाज बुलंद की है। उन्होंने खुलकर कहा है कि अगर मैं कप्तान होता तो कुलदीप यादव को अपनी प्लेइंग 11 में जरूर शामिल करता। कृष्णाचारी श्रीकांत ने कहा कि अगर आपको कुलदीप को बाहर बिठाना है तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मोहम्मद सिराज की जगह प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव को जरूर जगह देनी चाहिए। कृष्णाचारी श्रीकांत ने भी कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, उनके लिए एडम जैम्पा कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं तबरेज शमसी साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो फिर हम अपने मेन मैच विनिंग स्पिनर को, मेन मैच विनर खिलाड़ी को बाहर क्यों बिठा रहे हैं? हम कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? वहीं पीयूष चावला ने भी श्रीकांत के सुर में सुर मिलाए और उन्होंने भी कहा कि अगर मैं भी होता तो मैं कुलदीप यादव को जरूर प्लेइंग 11 में मौका देता। आपके पास मौका है, आप अर्शदीप या मोहम्मद सिराज में से किसी एक को बाहर बिठा सकते हैं। और पीयूष चावला ने कहा कि मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल करने के लिए मोहम्मद सिराज को बाहर किया जा सकता है। तो अब कृष्णाचारी श्रीकांत और पीयूष चावला, इन दोनों ने कुलदीप यादव के समर्थन में आवाज बुलंद की है। देखना होगा राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा कुलदीप यादव को मौका देते हैं या नहीं। बारबाडोस में मुकाबला होगा और यहां पर माना जाता है कि कुलदीप यादव असरदार साबित हो सकते हैं। उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में भी शानदार गेंदबाजी की थी और अब जब T20 वर्ल्ड कप आया है तो अब तक इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच कुलदीप यादव को खेलने का मौका नहीं मिला। सबसे टेंशन की बात यह है कि सुपर एट के मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं और भारतीय टीम अब तक अपना बेस्ट प्लेइंग कॉम्बिनेशन तय नहीं कर पाई है। भारतीय टीम 20 जून को यानी आज अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी, फिर अगला मुकाबला टीम इंडिया का 22 जून को होगा बांग्लादेश से और उसके बाद 24 जून को भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। जो भी ग्रुप में चार टीमें हैं उनमें से जो टीमें टॉप टू में रहेंगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और एक एक मैच हर एक टीम के लिए जरूरी है। भारतीय टीम के ग्रुप में भले ही बांग्लादेश हो तो देखने से लग रहा हो कि ये ग्रुप थोड़ा सा आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव की किस्मत चमकेगी या नहीं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।